जनाब 9:35 हो गए, तो हम आगाज़ करते हैं अपने आज के सेशन का। अच्छा, इससे पहले हम जो चीज़ें देख चुके हैं वो हैं, एक तो हमने जो स्केलर टाइप्स हैं इंडस्ट्री, वो सबकी सब हमने डिस्कस कर ली थी, जिसके अंदर चार तरह की टाइप्स थी: इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और करेक्टर्स। तो हमने सेशन नंबर 8 में देखा था इंटीजर को और बूलियन को इन डिटेल, फ्लोट को इन डिटेल, और फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 9 में हमने देखा था बूलियन को और करेक्टर को। तो यहाँ जाके हमारा जो रस्ट की स्केलर टाइप्स वाला सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आज से स्टार्ट ले रहे हैं कंपाउंड टाइप्स का, ठीक है? तो कंपाउंड टाइप जो रस्ट में है वो दो हैं, एक तो है टुपल और दूसरी है एरे। तो इनको अब हम आज वन बाय वन देखेंगे। अपने जो सेशन का पार्ट वन है उसमें हम टुपल को अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेंगे, और देन फिर कल तो नहीं, मंडे से फिर इंशाल्लाह उल अजीज जो है हम एरे को देख लेंगे। अगर आज हमें टाइम, बल्कि हम यूँ करेंगे कि बल्कि आज कोशिश करेंगे कि सेशन के पार्ट वन में हम लोग देख लें ट्यूपल को, पार्ट टू में देख लें एरे को, और कंपाउंड टाइप को आज ही खत्म करते हैं, ताकि फिर मंडे से ऑनवर्ड ना हम कुछ और देखते हैं, जो चीज़ें हमारी मिसिंग है लाइक वाइल लूप वगैरह ना, उनको फिर गो थ्रू कर लेंगे। इसके अलावा चूंकि कल और नेक्स्ट वाले संजय को ऑफ भी आ रहे हैं, तो उसके बाद चूंकि फर्स्ट क्विज भी होना है जो कि मोहित होगा, वो जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाली स्लाइड्स हैं उसके ऊपर। तो ऑल्दो सेशन नंबर 4, 5, 6 में हमने उन स्लाइड्स को अच्छे तरीके से डिटेल में कवर किया था, लेकिन मुझे कुछ और फेलो स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि वो वाले सेशन जो हैं उनको दोबारा से हम लेकर आए ताकि तैयारी हो जाए। तो कीपिंग इन व्यू के वो जो क्विज होना है, तो क्विज से पिछला वाला जो वीक होगा इंशाल्लाह, जो लाइक 17 को अगर है आई थिंक, तो जो लाइक 9 और 10 से लेके 17 तक का जो होगा ना वीक, उसमें हम 2 या 3 सेशन जो हैं उस 4 QR वाली स्लाइड्स के ऊपर दोबारा कर लेंगे इंशाल्लाह, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग, कि वो जो हमारे कंसेप्ट हैं वो एक बार रिवाइज हो जाए। ओके जी, फाइन, आज आगाज करते हैं आज वाले सेशन का। तो ट्रिपल के ऊपर आज बात होगी पहले वाले हिस्से में सेशन के। हमने इससे पहले जो वेरिएबल्स देखे उनमें हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, उसमें कोई डेटा टाइप देते हैं, और देन फिर उस खास डेटा टाइप की जो वैल्यू होती है ना, उसको मल्टीपल जगह यूज करते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि हम एक जो हम लोग अपने ये जो PIEIC के स्टूडेंट्स हैं इनका रिकॉर्ड मुरतब कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें एक स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर और एज स्टोर करवानी है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हम सबका जो नेम है वो पूरे का पूरा नेम नहीं है, हम सिर्फ नेम का पहला करेक्टर स्टोर करवाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा नेम स्टोर करवाने के लिए फिर जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग की टाइप है ना, वो अभी तक हमने उस तरह नहीं पढ़ी। तो बल्कि हम यूँ कर लेते हैं कि हम चार चीज़ों को सेव करवाना चाह रहे हैं एक स्टूडेंट की: उसका रोल नंबर, उसकी एज, उसका नेम, और उसने ये सेमेस्टर पास किया है या फेल किया है। ठीक है, तो अगर पास किया है तो हम उसको पी से डिनोट कर देंगे, और फेल हुआ है तो एफ से डिनोट कर देंगे। तो एक कैरेक्टर का हमने ना उसको वो मतलब रिकॉर्ड रखना है उसका, ठीक है? और साथ हम ये भी देखना चाह रहे हैं कि हम वो अगले सेमेस्टर में प्रोमोट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो ट्रू या फॉल्स से वो जो डाटा है ना वो हम स्टोर करेंगे स्टूडेंट का। तो अगर हम ये काम स्टैंडर्ड तरीके से करें तो हम कैसे करेंगे इसको हम थोड़ा सा ना भी देख लेते हैं। हम चलते हैं अपने कोड एडिटर जो कि विजुअल स्टूडियो कोड है उसकी तरफ, और यहाँ जाके हम प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं अपनी। तो जी, हमने करना ये है कि हमने
लेना है रोल नंबर, रोल नंबर सपोज I-32 की उसकी टाइप है, और हम वो ले लेते हैं 1000। उसके बाद हम लेते हैं एज, और एज चूंकि लोड टाइप हो सकती है, लाइक एक बंदे की जरूरी नहीं कि 1, 2, 3, 4, 5 या 18, 20, 22 ही हो, वो 22.5 भी हो सकती है। तो हम सपोज करते हैं कि वो जो स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 1000 है, उसकी एज है 22.5, ठीक है। और इसको मैंने F-32 इसलिए लिया है कि एज में मुझे बहुत ज़्यादा हाई प्रिसिशन नहीं चाहिए, कि लाइक मुझे ये नहीं चाहिए कि वो 22.50135926 है, मुझे 22.5 भी एनएफ है, मतलब एज का आइडिया लेने के लिए। इसलिए मैंने इसका जो साइज़ है वो F-32 रख लिया है बजाय F-64 रखने के, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं लेट कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका हम रख लेते हैं नाम रिजल्ट, इसकी टाइप है कैरेक्टर, और वो ये शो कर रही है कि स्टूडेंट पास है या फेल है। तो चूंकि स्टूडेंट पास है तो हम इसमें पी डाल रहे हैं, अगर ये फेल होता तो हम एफ डाल देते। और चौथा टाइप है हमारा बूलियन, इसमें हम ये स्टोर करवाना चाह रहे हैं कि ये स्टूडेंट नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हुआ है कि नहीं। तो इसको हमने एज ए बूलियन ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे ट्रू या फॉल्स, ठीक। तो ये एक स्टूडेंट था जिसका हमने ये चार एस्पेक्ट्स उस स्टूडेंट के हमने अपने प्रोग्राम में सेव किए। नंबर वन रोल नंबर जो कि 1000 है, उसकी एज 22.5, रिजल्ट पास है इस सेमेस्टर में और अगले उस सेशन में प्रमोट हुआ है कि नहीं हुआ अगले सेमेस्टर में, वो तो वो हमने ट्रू कर दिया, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट का ये चारों एस्पेक्ट हमने सेव कर लें, और सेव करने के बाद अब हम इनको वन बाय वन प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो हम कहते हैं अच्छा, इसमें ना कुछ एक असाइनमेंट में वो आई थी कि आपने दो दो वेरिएबल्स प्रिंट करवाने हैं, तो लोगों को वहाँ भी थोड़े से मुश्किल पेश आ रही थी। तो हम यूँ करेंगे कि हम यहाँ पे प्रिंट एलन की दो स्टेटमेंट्स लगाएंगे, तो दो चीज़ें एक में प्रिंट करेंगे एक लाइन में, और दो चीज़ें एक लाइन में प्रिंट करेंगे। तो इससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा, उन लोगों को कि जिनको एक लाइन में दो वेरिएबल प्रिंट करने में इशू पेश आ रहा था, उनको समझ आ जाएगी कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल एक लाइन में कैसे प्रिंट करना है। तो हम जनाब सबसे पहले प्रिंट करते हैं रोल नंबर, ठीक है, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हम देते हैं ये एक काइंड ऑफ डिजाइन कह लें आप, और फिर हम देते हैं एज। और पहले हमने रोल नंबर के बाद ये जो हमने कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं इनके अंदर हम चाह रहे हैं कि वो जो हमारा वेरिएबल है जिसका नाम है रोल नंबर वो प्रिंट हो जाए, और सेकंड कर्ली ब्रैकेट में एज नाम का जो वेरिएबल है वो प्रिंट हो जाए, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम चाहते हैं क्या प्रिंट हो, उसका रिजल्ट प्रिंट हो जाए, तो फिर ये प्रिंट हो के वो प्रमोट हुआ है कि नहीं हुआ। तो पहले वाले कर्ली ब्रैकेट में हम वेरिएबल दे देते हैं रिजल्ट, और दूसरे वाले में प्रोमोटेड, ठीक है। इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, एक बार फिर हम इस प्रोग्राम की कोड को रिव्यू करते हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम था रोल नंबर, उसके अंदर हमने रोल नंबर दे दिया, वैल्यू उसको दे दी 1000, एज दे दी 22.5 एक स्टूडेंट की, रिजल्ट दे दिया कि वो पास है, पी से डिनोट कर रहे हैं, अगर फेल होता तो एफ से डिनोट करके, और चौथी चीज थी प्रोमोटेड कि वो नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रोमोट हुआ है कि नहीं, वो बूलियन टाइप का वेरिएबल था तो उसमें ट्रू या फॉल्स दे सकते हैं, ठीक है। और इन चीजों को फिर हमने प्रिंट करवा लिया। तो अब हम इसको चला के देखते हैं अपने उस प्रोग्राम में, हम शेयर कर रहे हैं आपसे अब
अपनी वो जो टर्मिनल विंडो है, जी जनाब, तो ये आगे टर्मिनल विंडो, थोड़ा सा मजीद बड़ा कर लेते हैं। और रन करते हैं तो ये देखिए उसने इस प्रोग्राम को रन किया, उसने पहली लाइन में रोल नंबर और देन आगे जो हमने रोल नंबर को वैल्यू दी थी वो डिस्प्ले की। फिर हमने एक छोटी सी सेपरेशन देने के लिए ये कह लें एक निशान सा रखा था। फिर एज और उसने एज प्रिंट कर दी, सेम इज द वे विद दिस अगली प्रिंट एंड स्टेटमेंट में उसने रिजल्ट में पी फॉर पास दे दिया और आगे प्रोमोटेड में वो जो बुलियन वैल्यू थी ट्रू वो दे दी। ठीक हो गया। तो देखें ये जो सब कुछ था डाटा ये एक ही स्टूडेंट के बारे में था, लेकिन उसको हमने डिनोट किया चार अलग अलग वेरिएबल्स से। तो इस तरह के सिनेरियो में जब हमारे पास किसी एक ही चीज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बयान करने की जरूरत पेश आए, जैसा कि यहाँ पे हम एक ही स्टूडेंट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक ही स्टूडेंट का रोल नंबर, उसी की एज, उसी के ये स्टेटस के वो पास हुआ है या फेल हुआ है, और उसी का अच्छा आप में से ना जिस जिसको आवाज क्लियर आ रही है ना उससे रिक्वेस्ट है कि वो मुझे एसएमएस में बता दे कि क्लियर आ रही है, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि आवाज स्लो आ रही है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल या डिवाइस का वॉल्यूम भी थोड़ा सा हाई कर लें। और मैं तो बिल्कुल अपने लैपटॉप के करीब आके बोल रहा हूँ ताकि वो जो उसका माइक है वो डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट रहे मेरे से। तो अगर आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है तो प्लीज़ मुझे एक एसएमएस ड्रॉप कर दें, व्हाट्सएप मत कीजिएगा बिकॉज मैं रिप्लाई नहीं कर सकूँगा। या चलिए ठीक है, आप लोग मैसेज कर रहे हैं वो भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे हजरात को तो क्लियर आवाज़ आ रही है, अब मुझे नहीं पता कि जिन्होंने मुझे मैसेज किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने वो जो भी अगर वो जो भी डिवाइस पे हैं उसका वॉल्यूम हाई कर लें, या अगर हैंड फ्री लगा लें तो वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा उनके लिए शायद एक्सपीरियंस। एनीवे तो हम कहाँ थे, हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि हम एक ही स्टूडेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स बयान कर रहे हैं, एक ही एंटिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स बयान कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम उसके लिए एक दो चार आठ जो जो एस्पेक्ट हमने बयान कर रहे हैं उनके लिए अलग अलग वेरिएबल बनाएं, तो रस्ट हमें एक ऐसी कंपाउंड टाइप देती है कि जिसके अंदर हम वेरिएबल एक ही बनाते हैं और उसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप की तीन चार उसके ना सेक्शंस बना देते हैं या हिस्से बना देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमारा मेन वेरिएबल एक ही रहता है, उसके अंदर अगर हमने जिस तरह इस केस में जो हमने भी एग्जांपल लिए, जो भी हमने एग्जांपल कोड की और चला के देखी है, उसमें हमने एक स्टूडेंट के चार एस्पेक्ट्स को देखा, उसके रोल नंबर को, एज को, उसके पासिंग स्टेटस को, और वो प्रमोट हुआ कि नहीं हुआ इस बात को। तो हम ये कर सकते हैं कि हम इस काम के लिए एक टूपल बना दें, वो कैसे बनता है उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और वो टूपल क्या करेगा, उस टूपल में हम चार ये वाली वैल्यू सेव कर देंगे, ठीक है, अपनी अपनी डेटा टाइप्स की। जिस तरह हमारी एक इंटीजर थी, एक फ्लोट थी, एक बूलियन थी और एक करेक्टर थी, तो इसी तरह से हम एक टूपल बनाएंगे अब। और टूपल का फायदा क्या होता है कि नंबर एक तो ये कि ये एक ही चीज के जो डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स होते हैं उनको ग्रुप कर देता है और एक ही वेरिएबल की फॉर्म में ले आता है। ठीक है, तो उससे हमें फिर फायदा ये हो जाता है कि हमें वो चार अलग अलग वेरिएबल्स के नाम याद नहीं कर रखने पड़ते, हमें वेरिएबल का नाम एक ही याद रखना पड़ता है और उसके बाद हम उसको उसके चारों एस्पेक्ट्स को किसी तरीके से एक्सेस कर लेते हैं। वो क्या तरीके है वो अभी हम देख लेंगे। ठीक, उससे पहले हम इसकी दो प्रॉपर्टीज जो कि स्लाइड्स में बयान की हुई हैं वो देख लें। तो एक तो वो कह रहे हैं कि ट्यूपल इज अ जनरल वे ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर सम नंबर ऑफ अदर वैल्यूज विद अ वैरायटी ऑफ टाइप्स, नंबर वन। नंबर टू, ट्यूपल हैव अ फिक्स्ड लेंथ, वंस डिक्लेयर्ड दे कैन नॉट ग्रो और श्रिंक इन साइज। इसका मतलब ये है कि ट्यूपल को आप ये नहीं कर सकते कि आप जब ट्यूपल डिजाइन कर रहे थे, बना रहे थे अपने प्रोग्राम में, उस टाइम आपने दो एस्पेक्ट दे दिए और बाद में उसमें दो एस्पेक्ट और ऐड कर दिए, या पहले जिस तरह भी हमने फॉर एग्जाम्पल ट्यूपल बनाया तो हम कहते हैं कि यार नहीं, पहले तो इसका ना सिर्फ रोल नंबर और एज दे दो, वो हमें पता है, और बाद में जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो तब हम उसकी प्रोमोशन और पास फेल वाली चीज़ दे देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब आप एक बार ट्यूपल को
डिस्क्राइब कर लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, वो लेट वाली स्टेटमेंट लगा देते हैं, तो उसके बाद आप ना तो इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी कोई एस्पेक्ट चेंज कर मतलब कम कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा कर सकते हैं, ना ही ऐड कर सकते हैं, ना ही उसमें से कोई एस्पेक्ट ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने टुपल को डिज़ाइन करते हुए जितने भी उसके पॉसिबल प्रॉपर्टीज जो आप सेव रखना चाह रहे हैं ना, वो एट द डिज़ाइन टाइम आपको प्रोवाइड करनी होती है, नंबर एक कोई। और दूसरी बात ये कि ये हेटरोजीनियस डाटा कंटेन कर सकते हैं। हेटरोजीनियस से मुराद ये कि जिस तरह ये जो हमारा करंट डाटा है ना, ये हेटरोजीनियस है, डिफरेंट टाइप का डाटा है, कि जिसके अंदर जो रोल नंबर है वो इंटीजर टाइप का है, जो एज है वो फ्लोट टाइप की है, और जो उसका स्टेटस ऑफ द पासिंग है वो रिजल्ट जिसको हमने कहा था वो कैरेक्टर टाइप का है, और इसी तरह से जो वो प्रोमोट हुआ नेक्स्ट क्लास में या नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में या नहीं, वो बूलियन टाइप का है। तो ये हेटरोजीनियस डेटा टाइप्स बन गए ना, मुख्तलिफ तरह का डेटा बन गया, मुख्तलिफ स्केलर डेटा टाइप्स का डेटा बन गया। तो ये इसके अंदर एबिलिटी है ट्यूपल के अंदर कि ये हेटरोजीनियस टाइप का डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और इसको बनाने का तरीका इंग्लिश में देख लें, फिर हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। वी क्रिएट अ ट्यूपल बाय राइटिंग अ कोमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज इनसाइड पैरेंथेसिस। तो इसको लिखने के लिए हमें नाम तो हम इसका दे देते हैं, उसके बाद इज इक्वल टू लगा के, जैसे हम पहले सिंगल वैल्यू देते थे कि लेट एज इज इक्वल टू लाइक 22.5, तो इस तरह से हम स्मॉल ब्रैकेट लगा के उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हमने देनी है पॉसिबल, उनको हम कॉमा सेपरेटेड लिस्ट की फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे, तो वो ट्यूपल बना देगा। और हम उस ट्यूपल के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि जैसे हमने लाइक वेरिएबल रखा स्टूडेंट और उसके चार प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी, तो हम जब उनको एक्सेस करने लगेंगे तो पहली प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे student.0, student.1, student.2, student.3, इस तरह करके हम जो है ना उनकी वैल्यूज को एक्सेस कर लेंगे। सारे को हम ना प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। ये उसने एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है कि डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। वो कहते हैं जी लेट ट्यूपल TUP ट्यूपल का नाम है इज इक्वल टू 500 6.4 और लाइक 1 है शायद, जी बिल्कुल। या अगर आप डेटा टाइप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको मशवरा दिया था कि आप अभी से आदत डाल दें कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो उसकी डेटा टाइप आप स्पेसिफिकली ज़रूर बता दिया करें, वरना फिर रस जो है ना वो डिफ़ॉल्ट में अपनी मर्ज़ी की जो उसने डिफ़ॉल्ट सेट की हुई होती है वो डेटा टाइप डालना शुरू कर देता है। तो अगर आपने वो डिफाइन करनी हो तो वो इस तरह होंगी कि लेट ट्यूपल या TUP या ट्यूपल नेम कॉलन ब्रैकेट में पहले प्रॉपर्टी की डेटा टाइप, दूसरी प्रॉपर्टी की डेटा टाइप, तीसरी प्रॉपर्टी की डेटा टाइप एंड सो ऑन, फिर आप ब्रैकेट बंद कर देंगे, इज इक्वल टू डालेंगे और फिर उसी तरतीब से जो वैल्यूज आपने उसमें स्टोर करवानी है वो दे देंगे, ठीक हो गया। तो इसको अब हम चल के देखते हैं प्रैक्टिकली अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ये देखें जी, ये हमारा पुराना प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कि हमने इसके अंदर चार, एक ही स्टूडेंट के चार एस्पेक्ट्स हैं, रोल नंबर, एज, रिजल्ट और प्रोमोटेड, इसको सेव किया था, ठीक है। अब हम इसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करके देखें इसकी लाइंस कितनी बहुत सारी थी, अब इसी प्रोग्राम को हम चेंज करते हैं और इसकी जगह हम ट्यूपल बना लेते हैं। तो मैं अभी ये जो वैल्यूज लिखी हैं इनको डिलीट नहीं कर रहा, इन्हीं को देख के सेम वैल्यूज के साथ हम बनाएंगे एक ट्यूपल और फिर आप देखिएगा कि प्रोग्राम वो कितना छोटा सा हो जाएगा। तो हम उस ट्यूपल का नाम रखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आगे हम उसकी डेटा टाइप बता देते हैं। तो पहले हमने इसमें रोल नंबर सेव करवाना है, रोल नंबर हमने रखी थी I32, फिर हमने उसमें सेव करवानी है एज, उसकी टाइप हम फ्लोट 32 रख रहे हैं, फिर हमने उसके अंदर रिजल्ट का स्टेटस लिखवाना है जो कि है कैरेक्टर टाइप, तो फिर हमने प्रोमोटेड का स्टेटस डालना है जो कि है टाइप रूल। ये लिख के इज इक्वल टू, अब हम ये वैल्यूज डाल देंगे। तो पहली वैल्यू है 1000 जो कि रोल नंबर में जाएगी, रोल नंबर के लिए है, फिर दूसरी चीज है एज 22.5, तीसरी चीज है रिजल्ट जो कि हमने करेक्टर टाइप पर डिक्लेयर किया और उसमें हमने पास डाला, पी डाला फॉर पास, और चौथी है ट्रू, ये किसके लिए है, ये प्रोमोटेड के स्टेटस के लिए।
ठीक है, तो अब देखें कि ये जो ऊपर वाली चार लाइनें थी कि चार वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर रहे थे, वो सारे का सारा काम हमने एक ही लाइन से कर लिया। ठीक है, तो अब हम इन चारों को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो ट्यूपल है ये डिस्क्राइब हो गया। ये देखिए, लेट स्टूडेंट, आगे हमने चारों वेरिएबल्स की जो चारों प्रॉपर्टीज थी उसकी डेटा टाइप दे दी, इज इक्वल टू, और फिर उन चारों की वैल्यूज दे दी कॉमा सेपरेटेड करके, हमको प्रिंट करवाने हैं। तो उसी तरह हम चलेंगे, सिर्फ करेंगे क्या, यहाँ पे हम दे देंगे स्टूडेंट डॉट जीरो, क्योंकि स्टूडेंट डॉट जीरो में रोल नंबर सेव है। स्टूडेंट डॉट वन की वैल्यू एज में आ जाएगी। इसी तरह रिजल्ट उसका क्या रहा, स्टूडेंट डॉट टू में, और प्रोमोट हुआ कि नहीं हुआ, स्टूडेंट डॉट थ्री में। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर आप इसको रिव्यू कर लें कि हमने यहाँ पर क्या किया है, कि हमने वो जो बनाया है ये ट्यूपल, अब हम ये जो वैल्यूज है रोल नंबर की, फिर एज की, फिर वो पास हुआ है या फेल हुआ है स्टेटस की, और वो प्रमोट हुआ है कि नहीं हुआ इस चीज़ की, और ये चारों की आपने देखा होगा कि नोट करें, ये टाइप भी अलग अलग है। पहला रोल नंबर इंटीजर है, सेकंड फ्लोट है, थर्ड करेक्टर है, और फोर्थ बूल है। तो ये चारों एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट हमने स्टूडेंट के ट्यूपल में सेव करवा दिए, और देन फिर स्टूडेंट डॉट जीरो, स्टूडेंट डॉट वन, स्टूडेंट डॉट टू और स्टूडेंट डॉट थ्री करके इन वैल्यूज को हमने एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल विंडो की तरफ और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। तो ले जनाब, यहाँ पे हम कमांड देते हैं कार को रन की। तो देखिए, ये बिल्कुल रन हो गया, उसी तरह की आउटपुट भी, सिर्फ फर्क ये पड़ा कि अब ये जो आउटपुट जब आ रही है ये एक स्टूडेंट के ट्यूपल से आ रही है, जिसका कोड अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये देखिए, चलो मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, अब ये देखें आपके सामने पूरी का पूरा प्रोग्राम अब स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, तो ये है हमारा ट्यूपल डिक्लेरेशन, और देन फिर ट्यूपल को एक्सेस करके उन वैल्यूज के ऊपर कोई काम करना या उनको प्रिंट करवाना या जो भी। तो इसके बाद हम एक और कंसेप्ट देखेंगे विच इज रिलेटेड टू दिस ट्यूपल थिंग, और उसके बाद मैं सेशन ओपन करूंगा आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए। अगर कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं होंगे तो फिर हम मूव कर जाएंगे एरे की तरफ। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ वापस। तो हमने ट्यूपल को एक्सेस कर लिया, बना भी लिया, वैल्यूज भी देख ली, छेड़छाड़ भी कर ली थोड़ी सी। ठीक है, और ये एक जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर ये उन्होंने एग्जांपल इसी तरह से दी हुई है कि वो ट्यूपल बना रहा है जिसके अंदर तीन एस्पेक्ट्स हैं, एक के अंदर 500, फिर 6.4, फिर 1 जा रहा है, फिर उसके बाद जो हो रहा है ना, अब इस कंसेप्ट के ऊपर आने लगे ये जो इस कोड की सेकंड लाइन है, लेट एक्स वाई जेड इक्वल टू ट्यूपल। अच्छा, हमने एक तरीका तो देखा और प्रैक्टिकली चला के देखा कि आपने किसी ट्यूपल की वैल्यूज को एक्सेस करना हो तो ट्यूपल डॉट वन, ट्यूपल डॉट टू, ट्यूपल डॉट थ्री करके एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन इस काम के लिए ना मतलब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही होती कि ये सपोज ट्यूपल वन डॉट वन में क्या वैल्यू है, ट्यूपल डॉट टू में क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो डिजाइनर होता है ट्यूपल का, उसी को पता होता है कि मैंने वन में कौन सी चीज की वैल्यू स्टोर करवाई है और टू में कौन सी चीज की वैल्यू स्टोर करवाई है। तो प्रोग्राम में ना बाज़ औक़ात जब हम आगे ट्यूपल में डाटा स्टोर करवाते हैं, फिर उसको
निकलवाते हैं, और निकलवाने के बाद उसके ऑपरेशन परफॉर्म करना लगते हैं उस एक्सेस करके उन वैल्यूज को। तो वहां पे अगर वो मीनिंगफुल चीज ना दी, वहां पे 2.1 2.2 लिखा हो ना, तो बसा औकात जो बाद में वही कोड अगर कोई और पढ़ा उसको समझ नहीं आती कि ये 2.1 में पता नहीं किस चीज का वैल्यू स्टोर हुई है, 2.2 में पता नहीं किस चीज की वैल्यू स्टोर हुई है। तो हमें तो पता है एट द टाइम ऑफ डिजाइनिंग हमें पता था कि हमने 2.0 में हमने रोल नंबर स्टोर किया था, 2.1 में वो जो हमने जो प्रोग्राम बनाया अभी जो बना के देखे, 2.1 में एज, इसी तरह 2.2 में हमने स्टेटस के वो पास हुआ या फेल हुआ, इसी तरह 2.3 में प्रोमोट हुआ कि नहीं हुआ, ये स्टेटस शो किया होता। तो अगर हम ये चाहें कि हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, और उन वैल्यूज की जो यूटिलाइजेशन है जो कि हमने आगे जाके अपने प्रोग्राम में कहीं करनी हो तो एज पर रिक्वायरमेंट, तो उनको थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस ट्यूपल की डीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है कि उसको डीस्ट्रक्चर करना, वो जो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो जो एक कंपाउंड बना हुआ है, वो जो एक मिक्सचर बना हुआ है, एक ही वेरिएबल बना हुआ है जिसके अंदर चार डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स आ रहे हैं किसी एंटिटी के, उसको फिर हम डीस्ट्रक्चर करके अलग अलग वेरिएबल्स में लेके जाते हैं एट द टाइम ऑफ एक्सेस या एट द टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन ना। तो वही कंसेप्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम अपनी वाली एग्जाम्पल में जाकर देखते हैं कि वहां पे जो हमने एक ट्यूपल बनाया और उसमें कुछ वैल्यूज असाइन की, और वो हमें ही पता है कि हमने वो पहले वाले ट्यूपल के सेक्शन में क्या असाइन किया था दूसरे वाले में। तो अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम इसी को, इसी यानी कि ये जो स्टूडेंट का हमारा ट्यूपल बना हुआ है इसको डीस्ट्रक्चर करने लगे हैं, और इन सब चीजों को किसी मीनिंगफुल वेरिएबल में लेके जाने लगे हैं। कैसे, ये भी हम देखते हैं। हम कहते हैं जी लेट यानी कि रोल नंबर जिसकी टाइप हो I32 में डाल दो, क्या डाल दो, स्टूडेंट डॉट जीरो, एक तो ये तरीका हो सकता है ठीक है कि हम इस तरह एक एक करके डिफरेंट नेम वाले वेरिएबल्स में इन वैल्यूज को मूव करा दें और देन उनको यूज करना शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रक्चर का ये एक और बड़ा जबरदस्त तरीका प्रोवाइड करता है, वो क्या है, वह लेट, जैसे आपने ये इसको डिफाइन किया उसी तरह से ना आप चार वेरिएबल के नाम लिखें, आप लिखें बल्कि हमको मुखफ्फफ ले लेते हैं, RM स्टैंड फॉर रोल नंबर, AG स्टैंड फॉर एज, ठीक है, PF स्टैंड फॉर पास है या फेल है, और PR स्टैंड फॉर प्रोमोट है कि नहीं है। ठीक है, ये हमने फॉर चार वेरिएबल बना लिए, रोल नंबर, एज, PF पास फेल है और PR प्रोमोट है कि नहीं है, इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो देखिए हम ये पूरे का पूरे ट्यूपल पास कर रहे हैं, तो होगा ये कि एक वेरिएबल बनेगा RN का, और उसके अंदर स्टूडेंट की पहली वाली जो एस्पेक्ट है वो शिफ्ट हो जाएगा जो कि है 1000 और वो है रोल नंबर के लिए। ठीक है, ये मूव हो जाएगा RN में। इसी तरह AG जो है उसके अंदर इसका नेक्स्ट वाला वैल्यू मूव हो जाएगी जो कि है एज की वैल्यू 22.5। इसी तरह जो PF दिया हुआ है तीसरे नंबर पे यहाँ, इसके अंदर इस ट्रिपल की तीसरी वैल्यू पास ऑन हो जाएगी जो कि करेक्टर टाइप है P, और इसी तरह चौथे वाले में जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है जो कि ट्रू है जो कि प्रोमोटेड के लिए थी वो पास ऑन हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे इन वेरिएबल्स को प्रिंट करवाएं और फिर इस प्रोग्राम को चलाएं, तो लेट्स सी हमारे सामने क्या आउटपुट आती है। अभी हमने किया क्या है कि हमने उस ट्यूपल को यानी कि उस ट्यूपल को हमने डीस्ट्रक्चर कर दिए। ठीक है, लेट मी शेयर माई टर्मिनल विद यू गाइस।
ये देखिए सेम टू सेम वही आउटपुट आई है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी हमने इस प्रोग्राम में बैकएंड में क्या चेंज की है कि पहले आउटपुट आप देख रहे हैं सेम टू सेम आउटपुट है, क्योंकि हम जो प्रिंट एलन की स्टेटमेंट है उसको चेंज नहीं कर रहे, उसके अंदर सिर्फ जो वेरिएबल है डाटा वो एक्सेस कहाँ से कर रही है, सिर्फ उसके अंदर हम चेंज लेके आते हैं। तो ये देखिए कि हमने किया ये कि हमने एक स्टूडेंट का टूपल डिक्लेयर किया पहले, ठीक है, यहाँ पे उसको रेलिवेंट वैल्यूज दे दी, देन उसको डिस्ट्रक्चर किया चार अलग अलग वेरिएबल्स में, और उन चारों वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके उसके आगे सिर्फ हमने वो टुपल का नाम दे दिया, तो उसने एज पर द वैल्यूज उसने डिफॉल्ट डाटा टाइप सेलेक्ट कर ली होंगी, और उसके बाद हमने प्रिंट एलन में उन वो जो हमने डी स्ट्रक्चर्ड वेरिएबल्स से उनको यूज करते हुए हमने डाटा को प्रिंट करवा लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे आके हमारा जो टुपल का सेक्शन है वो खत्म हो रहा है। तो अब मैं अपने पास आप लोगों का जो माइक है उसका कंट्रोल आप लोगों को वापस कर रहा हूँ। तो अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकता है टुपल के हवाले से, अगर कोई सवाल नहीं होगा तो फिर हम जो सेशन के मिड में हम ब्रेक लेते होते हैं वो ब्रेक लेके फिर हम 5 मिनट के बाद इसका दूसरा सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर होगा हमारी डिस्कशन ऑन द एरे। अगर कोई सवाल है तो आप अस्सलाम प्लीज। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये पूछना है कि आपने दो तरीके से बताया टपल को हल करना, तो हम दोनों में से कोई एक कर सकते हैं या दोनों ही करने होते हैं? नहीं, आपको जो आसान लगता है नंबर 1 तो ये, और जो आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है आप दोनों से कर सकते हैं, उसमें से जो सा तरीका आप अडॉप्ट करना चाहें वो आपकी मर्जी है। और जो नीचे आपने जो प्रिंट करवाया है प्रोग्राम, इसमें आपने दो दफा मेंशन किया ना रोल नंबर, और एक दफा वेरिएबल मेंशन किया और एक दफा उसका वो मेंशन किया आपने जो एग्जैक्ट वो हमारे पास हमने फाइंड करना है, इसको हमें दो दफा ही मेंशन करना होता है हमेशा नहीं, आप बात टपल समझ में। नहीं, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए मैं नहीं, प्रिंट अगर मैं लाइन है ना, इसको मुझे दोबारा समझा दें। वही बताने लगा हूँ कि अब आप चाहो, ओके। आपको जो तरीका आसान लगता है या जो आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है आप दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं चाहूँ तो अभी भी मेरा स्टूडेंट का वेरिएबल बना हुआ है ना, मैं स्टूडेंट डॉट 0 1 इस तरह भी चला सकता हूँ, ठीक है, एक्सेस करने की बात है। मैंने किया ये कि मैंने, देखें सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मेमोरी में ना जो पहली लाइन है लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू व्हाटएवर, तो यहाँ पे ना एक स्टूडेंट का टुपल मेमोरी में क्रिएट हो गया, उसके चार स्पेक्ट्स बन गए, चार हिस्से बन गए, उन चारों हिस्सों में वैल्यू चली गई, ठीक है, एक वेरिएबल बना भी दिया इस लाइन के ऊपर, ये वाली जो है। अब जो अच्छा प्रोग्रामर होता है और वो खुद ही डिजाइनर होता है तो उसने क्या करना है कि अब जिस तरह मैंने पहले किया था, तो मैंने एक ही ये वेरिएबल स्टूडेंट का बनाया और इसी की वैल्यूज को इस तरह से एक्सेस कर लिया, ठीक हो गया, स्टूडेंट डॉट जीरो स्टूडेंट डॉट वन करके। तो ठीक अब मेरी मेमोरी में एक ही वेरिएबल बना हुआ है जो कि टुपल टाइप का है और उसके अंदर ही डाटा पड़ा हुआ है, उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। अच्छा, फिर हो सकता है कि मेरे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि मैंने इस तरह से, यानी कि स्टूडेंट डॉट जीरो स्टूडेंट डॉट वन करके मैं जब प्रोग्राम बनाऊँ तो कंफ्यूजिंग हो जाए। कंफ्यूजिंग कैसे हो जाए और किसके लिए हो जाए, क्योंकि मैंने बनाया तो मुझे तो पता होगा, बिल्कुल तो कंफ्यूजिंग नहीं होगा, बट हो सकता है, देखिए ना जब आप किसी एंटरप्राइज में काम कर रहे होते हैं तो वहां पे एक ही चीज के ऊपर मल्टीपल प्रोग्रामर्स काम कर रहे होते हैं, एक एक हिस्से पे काम कर रहा होता है, एक दूसरे हिस्से पे काम कर रहा होता है, ठीक है, तो कोड के एक हिस्से पे एक प्रोग्रामर काम कर रहा होगा, दूसरे हिस्से पे दूसरा प्रोग्रामर काम कर रहा होगा, तो जिस प्रोग्रामर ने ट्यूपल बनाया उसको तो पता होगा कि ट्यूपल के पहली वाली वैल्यू में जो है वो नंबर आ रहा है, दूसरी वाली वैल्यू में जो 22.5 की वैल्यू है ये एज के लिए मैंने रखा हुआ है, इसी तरह तीसरे और चौथे में क्या चीज आ रही है, लेकिन जो दूसरा प्रोग्रामर बैठा होगा ना उसको तो इसी समझ नहीं आएगी। तो फिर एक तरीका तो ये है कि ये वाला प्रोग्रामर उस प्रोग्रामर को ये वाली बात लिख के दे दे, बता दे, ईमेल कर दे कि भाई ये जो वन है ना उसके अंदर वो नंबर पड़ा हुआ है, ट्रिपल डॉट जो सेकंड वाला एस्पेक्ट है उसके अंदर एज पड़ी हुई है वगैरह वगैरह। दूसरा तरीका ठीक ये है कि है। वो ये ट्रिपल बनाने के बाद जब जहां पे इसको यूज करना हो ना वहां पे इसको डिस्ट्रक्चर कर दे, वो जो स्टूडेंट के अंदर जो जो भी वैल्यूज पड़ी हुई है उनको रेलिवेंट वेरिएबल्स में ले जाए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चार वेरिएबल बनेंगे रैम में, एक तो ऑलरेडी बना हुआ था पहले का स्टूडेंट, अब चार और बन जाएंगे, कौन कौन से, आर एन रोल नंबर के लिए लिखा हुआ है, इसका नाम पूरा भी रख सकते हैं, मैंने जरा टाइप समझने के लिए इसको आर एन लिखा था, वरना आप समझ लेंगे इसका नाम पूरा है रोल नंबर, एज, वो समझ आ गई थी इसकी। जी। तो अब क्या हो रहा है कि अब इस लाइन के एग्जीक्यूशन के बाद रैम में टोटल 5 वेरिएबल हो गए, एक तो स्टूडेंट खुद था और उसके बाद उन चारों जी
चारों को हमने डी स्ट्रक्चर कर दिया इन, यानी कि उसकी जो जो स्टूडेंट के चार एस्पेक्ट्स हैं उनको हमने डी स्ट्रक्चर कर दिया इन चार अलग अलग वेरिएबल्स में, और फिर हमने इन चार वेरिएबल्स को अपने प्रोग्राम में कहीं यूज किया। ठीक है, तो अब ये भी हो सकता है कि अगर दो प्रोग्रामर एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो होगा ये कि जो एक प्रोग्रामर है वो स्टूडेंट डिक्लेयर कर देगा टुपल, और फिर वो उसको चार अलग 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 वेरिएबल्स में उनको डी स्ट्रक्चर कर देगा, और जो दूसरा प्रोग्रामर है वो डी स्ट्रक्चर्ड वेरिएबल्स को यूज करते हुए मजीद कोई काम करवा लेगा। तो आपके पास दोनों तरीके हैं। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा की नहीं है तो आप एक्स्ट्रा चार वेरिएबल मत बनाएं, आप स्टूडेंट डॉट वन, स्टूडेंट डॉट टू, स्टूडेंट डॉट थ्री से यूज कर लें। लेकिन जैसा कि सर ने पिछले असाइनमेंट जो हमें दी थी क्लास के अंदर, छोटा सा टेस्ट लिया था, उसके अंदर सर ने स्पेसिफिकली कहा था कि आपने एक एरे बनाना है जिसमें आपने कोई वैल्यू बनानी है और देन उसको डी स्ट्रक्चर करना है। तो जब वो डी स्ट्रक्चर का वर्ड यूज करेंगे तो फिर आपको ये वाला काम करना पड़ेगा जो मैंने लाइन नंबर टू में किया है कि कोई अलग अलग वेरिएबल बना के उसके अंदर वो वन बाय वन वैल्यूज पास करवानी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक हो गया, कोई और सवाल? ओके, थैंक यू। जी कोई और सवाल है? चले आते हैं, फिर हम यूँ करते हैं कि हम एक 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं। तो 10:11 हो रहे हैं, 10:15-16 के ऊपर मैं दोबारा से आपके साथ एक लिंक शेयर करूंगा अगली मीटिंग का, वहां पे फिर हम एरे डिस्कस करके आज का सेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो चले जी फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं 5 मिनट के बाद।